हेलो फ्रेंड्स, मैं रुखसाना सैफ़ी सैफ़ीज़ किचन में आज आपका तहे दिल से वेलकम करती हूँ। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बेहद उम्दा एग बिरयानी, जो बड़े बुज़ुर्ग बच्चे सभी को बेहद पसंद आती है। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। दो टमाटर लिए हैं जिनको हमने रफली कट कर लिया है, 7-8 हरी मिर्च हैं जिनको हमने लंबा लंबा काट लिया है, 2 मीडियम साइज़ की अनियन है जिनको फाइनली डाइस कर लिया है, 6 अंडे लिए हैं, बॉयल अंडे हैं ये, और 2 पटेटोज, उबले हुए पटेटोज हमने यहाँ लिए हैं और इनको ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों में हमने काट लिया है। ये 1/2 kg बासमती राइस हैं जिनको हमने आधा घंटे के लिए सोक कर दिया और अब इनका पानी हमने ड्रेन कर दिया है। हसबे ज़रूरत नमक, 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, होममेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, होममेड बिरयानी मसाला 2 टेबल स्पून, होममेड कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून और आधा कटोरी दही। ये हमने लिया है नारंगी कलर जो हम इसमें डालेंगे, और यहाँ हमने लिए हैं ये कुछ खड़े मसाले जो हमारे राइस हम बॉईल करेंगे उसमें जाएंगे। तो ये हमने 3 तेज़पात के पत्ते लिए हैं, दालचीनी का टुकड़ा 2 इंच का, 2.5 इंच का हमारा दालचीनी का टुकड़ा है, 5-6 लौंगे हैं और ये 1/2 टीस्पून हमारी काली मिर्च हैं, यानी कि करीबन 10 काली मिर्च हैं हमारी, और ये जावित्री, 2 जावित्री, बादियान के फूल और 2 बड़ी इलायची, 1 टेबल स्पून हमारी सौंफ है और ये 1 टेबल स्पून ज़ीरा है हमारा। हम इसकी सबकी पोटली बना लेंगे। जब बिरयानी खाते में ये मसाले आते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं, तो सिर्फ मुझे इनका फ्लेवर चाहिए, मुझे मसाले नहीं चाहिए उसमें, तो मैं इनकी पोटली बना लूँगी सिर्फ ज़ीरे को छोड़कर, क्योंकि ज़ीरा तो राइस में अच्छा लगता है। ये मेरा ग्रेवी में जाने वाला ये थोड़ा सा गर्म मसाला है जिसमें 3 मैंने तेज़पात के पत्ते लिए हैं और ये हमने 1/2 टी स्पून काली मिर्च है, दालचीनी का टुकड़ा और ये 2 बड़ी इलायची। तो ये हमारी ग्रेवी में जाएगी। केवड़ा वाटर है जो हम इसमें डालेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इसकी सबसे पहले पोटली बना लेती हूँ, एक सूती कपड़ा मैं लेती हूँ और उसमें इसकी पोटली बना लेती हूँ। ये सारे गरम मसाले मैं इसमें डाल लूँगी इस तरह से, इस तरह से हमें ये पोटली बना लेनी है। तो यहाँ हमने पतीले में अपना ऑयल गरम कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे अपने अंडा और आलू, इनको हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, वैसे तो इन चीज़ों में ऑयल ज़्यादा ही जाता है, ज़्यादा ऑयल में ही इन चीज़ों का असली मज़ा है, लेकिन आप कम डालना चाहें तो कम डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी, और आप आलू ना डालना चाहें तो ना डालें, मुझे इस बिरयानी में आलू बहुत अच्छे लगते हैं तो मैं इसलिए आलू डालती हूँ। तो मैं इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी, गोल्डन ब्राउन कर लूँगी इनको। तो ये अब हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो मैं इनको बाहर निकाल लेती हूँ। ये देखिए, और अब मैं डालूँगी इसमें प्याज, इनको भी मैं सुनहरा होने तक फ्राई कर लूँगी। तो 5-6 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगी। ये देखिए, ये मेरी अच्छे से फ्राई हो गई है। तो मैं इसमें से आधी निकाल लूँगी बाहर और आधी इसी में छोड़ दूँगी मैं। और अब मैं इसमें डाल दूंगी अपने खड़े मसाले। इनको चटकने दूंगी। जिंजर गार्लिक पेस्ट भी इसमें ऐड कर दूंगी और इसे थोड़ा सा चलाऊंगी।
और अब इसमें डाल दूँगी टमाटर और आधी हरी मिर्च डाल दूँगी और आधी मैं बचा लूँगी और इनको हिलाऊँगी और अब डालूँगी इसमें धनिया पाउडर, चिली पाउडर। चिली पाउडर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आप तीखा खाते हैं वैसे इसमें हरी मिर्च भी डली हुई है। और बिरयानी मसाला और सॉल्ट हसबे ज़ायका, देखभाल कर डालें क्योंकि हम जब राइस बॉईल करेंगे तो हम उसमें भी ऐड करेंगे नमक को, तो यहाँ भी उसी हिसाब से डालना है। तो हम इनको अच्छे से चला लेंगे। ये देखिए हमें टमाटर भी गल चुके हैं, थोड़ी देर हमने इनको चला लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे अपने अंडा और आलू और इनको चला लेंगे। और अब इनको हम अच्छे से चलाने के बाद इसको ढककर 2 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे कि हमारे सारे फ्लेवर जज्ब हो जाएं अंडा और आलू में। मैं इसको चढ़ाती हूँ, इसमें हमें करने हैं चावल बॉयल अपने, तो यहाँ मैं डाल देती हूँ पानी इसमें। और ये जो मैंने पोटली बनाई थी गरम मसाले की, वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। और इसमें डाल देती हूँ सॉल्ट। अब मैं डालूँगी ज़ीरा, बाकी मसाले मैंने पोटली में डाल दिए थे और ये ज़ीरा मैं ऐसे खुला हुआ डाल देती हूँ। अब मैं इसे ढककर इसका बॉयल आने का इंतज़ार करूँगी, तब मैं इसमें अपने चावल डालूँगी। तो अब हम दूसरे चूल्हे पर देखते हैं, 2 मिनट इसको हो चुके हैं हमारे अंडा और आलू को। तो अब मैं इसमें दही ऐड कर दूँगी, ये दही मैंने इसमें ऐड कर दिया है, तो मैं इसे भी अच्छे से भून लूँगी। ये देखिए हमारा अच्छे से भुन चुका है दही डालने के बाद में। तो मैं अब इसको यहीं गैस इसकी ऑफ़ कर देती हूँ। और यहाँ मेरा पानी बॉईल हो गया है, तो मैंने इसमें अपने चावल डाल दिए हैं इनको चला के। और यहाँ इसी स्टेज पर आप अपना नमक चेक कर सकते हैं पानी में, तो नमक थोड़ा सा तेज़ ही होना चाहिए पानी में, तभी चावल पे सही आता है नमक। अब हम इसे ढककर पकाएंगे, 85% हमें इसे गलाना है। तो ये देखिए हमारे बॉईल हो चुके हैं राइस और हल्की सी कनी इसमें रह गई है, हल्की सी बाइट इसमें रह जानी चाहिए। और इस पोटली को भी मैं निकाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस पोटली को भी मैं नहीं फेंकूँगी क्योंकि ये बहुत ही काम की है। ये सारे खड़े मसाले हैं, इसमें मैं किसी भी ग्रेवी में या किसी में भी इसको यूज़ कर सकती हूँ। तो मैं इसे एक तरफ रख दूँगी। और मैं इस पानी को अब ड्रेन कर दूँगी। तो अब हम अपनी ग्रेवी देखते हैं। ये देखिए मैं इसमें से हाफ ग्रेवी निकाल लूँगी, यानी कि 6 अंडे हैं तो ये 3 अंडे तो मैं ऐसे निकालूँगी। कुछ आलू के टुकड़े भी मैं निकाल लूँगी, ये देखिए। और ग्रेवी भी मैं, हाफ़ ग्रेवी भी मैं निकाल लूँगी। तो इस तरह से आप, क्योंकि हमें दूसरी परत भी लगानी है तो हम इसको ऊपर भी डालेंगे थोड़ा सा। तो आप ये मैं आटे चावल बिछा दूंगी इसके ऊपर। और अब मैं ये ग्रेवी है ये भी इसमें डालूंगी।
अब मैं डालूंगी इसमें फ्राई अनियन, और अब मैं डालूंगी इसमें ये थोड़ा सा कलर, बाकी मैं ऊपर डालूंगी, और डालूंगी इसमें क्यूबा वाटर, थोड़ा सा केवड़ा वाटर। अगर आपके पास हरा धनिया और पुदीना है तो आप ज़रूर डालें, उसका फ्लेवर बेहद उम्दा लगता है इसके अंदर। मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैंने नहीं डाला है, आप ज़रूर डालें। बची हुई ग्रेवी डालूंगी, ये देखिए, और अब मैं डालूंगी इसमें फ्राई अनियन, और ये बाकी की बची हुई हरी मिर्च भी मैं इसमें इस तरह से डाल दूंगी, और इसमें डालेंगे हम अपना कलर, तो जब तक बिरयानी में कलर ना हो तब तक बिरयानी अच्छी नहीं लगती है। और इसमें डालूंगी मैं एक दो बूंद केवड़ा बटर की, और इसको भी मैं इस पर छिड़क दूंगी इस तरह से। तो अब हम अपनी बिरयानी को दम देंगे। तो यहाँ मैंने किचन टॉवल लेकर उसको भिगो लिया है, भिगोकर उसे निचोड़कर मैंने ऐसे लपेट दिया है ढकने पर, और यहाँ मैंने दूसरे चूल्हे पर अपने तवे को पहले से ही गर्म कर लिया था, और मैंने गर्म तवा नीचे रख दिया है, और इसके ऊपर मैं रखूँगी अपना पतीला, और इसके ऊपर अब हमें रखना है एक भारी वेट, कोई भी वेट वाली चीज़ इसके ऊपर रख दें, या सिल बटना रख दें, या वो ना हो तो आप कोई भी बर्तन में पानी भर के और इसके ऊपर रख दें, बस हमें एक भारी चीज़ के ऊपर रखनी है जिससे कि हमें एक अच्छा सा दम हमारी बिरयानी में आ जाए। और इसे 20 मिनट के लिए हम दम पर रख कर छोड़ देंगे, और गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे, लो फ्लेम पर हम इसे दम देंगे। 20 मिनट हमारे हो चुके हैं, हमारी एग बिरयानी अब रेडी है, तो हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। बेहद उम्दा एग बिरयानी बनकर हमारी तैयार हो चुकी है, ये देखिए कितने खिले खिले चावल हमारे बने हैं, एक एक दाना एकदम अलग है। बनाइए और खाइए, इंजॉय कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी सभी रेसिपी पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, खुदा हाफिज़।